अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किंग ऑफ सी एस। माय नेम इज़ हाफिज़ हमज़ा। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम देख सकते हैं कि हम विंडोज़ को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं डीवीडी के बगैर, क्योंकि कुछ लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जिसमें डीवीडी रोम नहीं अवेलेबल होते, तो आपको विंडो यूएसबी से करनी होती है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हम किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे और उस सॉफ्टवेयर से हम विंडोज़ 10 को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो बहुत ही ईजी मेथड है जो मैं आपको आज बताऊंगा। देखिएगा, सबसे पहले आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है रफ़स के नाम से। रफ़स ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर वो आपको डिफरेंट वर्जन शो कर रहा है, 3.12 है, 3.12 पोर्टेबल है और अदर वर्जन के हैं। तो आपने सिंपली 3.12 वर्जन इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये शो करेगा कि आपने इसको कहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो चूँकि मेरे पास ऑलरेडी सेव है और मैंने अपनी पहली वीडियोस में ये भी बताया हुआ है कि सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उस पर आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करें और उसके अलावा विंडोज 10 की जो ISO फाइल है, जो आपने विंडोज़ 10 वर्जन जो आप चाहते हैं उसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की वेबसाइट से डाउनलोड करें, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले आपने रफ़स सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और जैसे ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपनी यूएसबी को सीपीयू के साथ अटैच करें। तो जैसे मैं यूएसबी को अटैच की है, आपने यहाँ पर जाकर डिस्क और आईएसओ इमेज मतलब ये एक फाइल है जो आपने सेलेक्ट करनी है। आपने वो विंडोज़ की फाइल जहाँ भी रखी हुई है आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस यहाँ से फाइल को सेलेक्ट करूँगा और ओपन कर दूंगा। यहाँ से आपसे कहेगा कि आपके पास पार्टीशन स्कीम कौन सी है, GPT है या MBR है, GPT और MBR में क्या डिफरेंस है। तो GPT पार्टीशन स्कीम जो है हमारे पास वो बेटर होती है MBR, क्योंकि GPT के साथ आप अपनी ड्राइव की मोर देन 4 डिविजन्स बना सकते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें कह रहा है कि ऑल डाटा ऑन डिवाइस विल डिस्ट्रॉय, टू कंटिन्यू विद दिस ऑपरेशन क्लिक ओके। आपको डाटा नहीं चाहिए तो आप ओके कर सकते हैं, तो अगर आपको डाटा चाहिए तो आप उसे कॉपी करके किसी और फोल्डर में भी रख सकते हैं। तो ओके करें, तो अब ये कुछ टाइम लेगा और उसको अपनी USB को बूटेबल बना देगा। फाइल्स तो कॉपी हो चुकी हैं। ओके, तो अब ये रेडी हो चुकी है। अब इसे हम क्लोज करते हैं और चेक करते हैं, ओपन दिस पीसी, और आप ये देख सकते हैं हमारी जो ड्राइव है विंडोज 10, आप देख रहे हैं उस पर W10 लिखा हुआ, इस मीन के अब ये बूटेबल बन चुकी है। इसे ओपन करें और ये आपकी सेटअप की फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।